प्रयागराज से अब खबर है अति की एक और बेनामी संपत्ति कुर्क की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अतीक ने बिल्डर से हथियाई थी करोड़ों की दुकान। अतीक ने महज 5 लाख रुपए में ये दुकान ली थी। लूकरगंज इलाके में माफिया की बेनामी संपत्ति है जिस पर कार्रवाई की जाएगी और अब ये एक और बेनामी संपत्ति जिस पर कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। दरअसल ये बताया जा रहा है कि अतीक ने एक बिल्डर से ये करोड़ों की दुकान हथिया ली थी और इसी के बाद अब कार्रवाई की तैयारी हो रही है। गोफरान इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। गोफरान, अतीक की एक और बेनामी संपत्ति जिस पर कुर्की की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए माफिया अतीक अहमद की जो संपत्तियां हैं, जो बेनामी है, जो अवैध तरीके से अर्जित की गई है, उन संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन की जो टीम है वो कवायद कर रही है। इसी दरमियान एक और संपत्ति जो है लूकरगंज में जो दुकान है एक अपार्टमेंट के सामने, इसको कुर्क करने की जो तैयारी है वो प्रशासन ने की है। और ये संपत्ति के बारे में पुलिस को जो जानकारी मिली है ये पता चला है कि अतीक ने अपनी दबंगई और रसीद के बल पर इसको एक तरीके से हथियाया था। करोड़ों की ये दुकान है, कीमत इसकी जो अनुमानित है, लेकिन इसको महज 5 लाख रुपए में अतीक ने खरीदा था। तो ऐसे में अब इसको बेनामी संपत्ति और अवैध धन से अर्जित संपत्ति मानकर प्रयागराज की जो पुलिस है वो गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने की जो विधिक प्रक्रिया होती है उसमें जुट गई है। ठीक है गुफरान, आप बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगी कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे आगे।